तो आगे तुम लोग अब अगर आ ही गए हो तो लाइक भी कर दो यार, क्योंकि लाइक करने का पैसा तो लगता नहीं है, फ्री की चीज छोड़ा भी नहीं करते। तो आज का वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत सी तड़कती भड़कती एनिमे कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत सी न्यूज़ होने वाली है। अगर तुमने थोड़ा सा भी स्किप किया तो तुम बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारी पहली न्यूज की तरफ। तो हमारी पहली न्यूज होने वाली है AnimeiTV के बारे में। तो जो AnimeiTV है उन्होंने एक अपडेट देते हुए अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड की, जहाँ पे वो लिखते हैं कि बिकॉज ऑफ हाई क्यू ऑफ मेल्स एट द सेम टाइम द सर्विस इज टेकिंग टाइम, यू कैन मेल अस एट hello@AnimeiTV फ्रॉम द ईमेल आईडी यू वर एक्सपेक्टिंग एन OTP, वी विल कंफर्म इट फ्रॉम द बैक्ड, दैट्स द बेस्ट आई कुड डू राइट नाउ, थैंक्स एवरीवन। तो मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं तुम लोगों को समझाऊं तो बहुत से लोग एक साथ लॉग इन कर रहे हैं इस एप्लीकेशन या जो उनकी वेबसाइट है वहाँ पे, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उनका सॉल्यूशन यहाँ पे बताया गया है। बाकी यार समझने वाले समझ चुके, तो अब जाते हैं वीडियो के अगले पहलू की ओर। तो अगली न्यूज हमारी होने वाली एंग्री प्राश के बारे में। तो जो एंग्री प्राश है उनकी स्क्रिप्ट का काम कंप्लीट हो चुका है और नया वीडियो उनके चैनल पे बहुत जल्द आ रहा है, तो इस बात की खुशी मनाओ आप। तो अब जाते हैं वीडियो के अगले पहलू की ओर। तो अगली न्यूज हमारी होने वाली है सुनियो के ऑफिशियल हिंदी वॉइस आर्टिस्ट विजय हसन के बारे में। तो उन्होंने अपने कम्युनिटी टैब पे एक कम्युनिटी पोस्ट अपलोड किया है, जहाँ पे वो लिखते हैं कि तो अपने व्यूअर से ये पूछ रहे हैं कि वो रोस्ट करें या फिर प्रैंक कॉल। तो 77% लोगों ने बोला कि वो रोस्ट करें, और मजे भी आएंगे कि वो रोस्ट कैसे करेंगे और किसका रोस्ट करेंगे, तो ये देखने में सच्ची मजे तो बहुत ज्यादा आएंगे। तो देखते हैं अब अगर कोई भी अपडेट मिलता है तो अपन वीडियो बना देगा तुम्हारे लिए। तो अब जाते हैं वीडियो के अगले पहलू की ओर। तो अगली न्यूज हमारी होने वाली है सोनिक गेम और क्रंच रोल के बारे में। तो देखो क्रंच रोल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया, जहाँ पे तो लिखते हैं कि याकुजा वीडियो गेम प्रोड्यूसर वॉन्ट्स टू मेक अ कम्प्लीटली डिफरेंट सोनिक गेम, यानी वो सोनिक गेम का एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्जन बनाना चाहते हैं लोगों के लिए, क्योंकि यार सोनिक गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी रहा है लोगों के बीच। तो अगर इस मामले में मुझे और कोई भी अपडेट मिलता है तो मैं तुम्हें वीडियो में बता दूंगा। तो अब जाते हैं वीडियो के अगले पहलू की ओर। तो अगली न्यूज़ हमारी होने वाली है पोकेमॉन सीक्रेट्स ऑफ द जंगल मूवी के बारे में। तो जो उस मूवी का प्रीव्यू है ना वो आ चुका है यार, ठीक है, और ये मूवी शायद 2021 में रिलीज की जाएगी और दिसंबर 2020 में शायद जापान में रिलीज की जाएगी। और अगर अभी भी कोई अपडेट आता है ना एक दो दिन में तो मैं वीडियो बना दूंगा और तुम्हें बता दूंगा। तो अब जाते हैं वीडियो के अगले पहलू की ओर। तो अगली न्यूज हमारी होने वाली है खूनी मंडे के बारे में। तो जो खूनी मंडे उन्होंने अपने कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट किया, जहाँ पे वो लिख रहे हैं कि उन्होंने एक नया चैनल बनाया खूनी मंडे लाइव नाम से, जहाँ पे वो गेम्स वगैरह खेलेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे लाइव और भी बहुत कुछ करेंगे उस चैनल पे। तो अगर तुम खूनी मंडे के फैन हो तो तुम चाहो तो उनके नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अब जाते हैं वीडियो के अगले पहलू की ओर। तो अगली न्यूज हमारी होने वाली है बोरूटो सीरीज के बारे में, शायद मैंने गलत नाम लिया है तो मुझे माफ कर देना। तो हाँ, वहाँ पे एक आर्टिकल आया है आर्टिकल टाइप, जहाँ पे लिखा हुआ है कि तो यहाँ पे लिखा है जो नारुतो के क्रिएटर है वो वापस से बोरूटो, जो नारुतो की नेक्स्ट जनरेशन यानी बोरूटो की जो बेटे की स्टोरी है शायद, हाँ, तो उनके वापस से वो रिटर्न यानी जो मांगा है वो वापस लिखना चालू कर चुके हैं। अब भाई मैं तो देखो देखता नहीं हूँ यार, अभी बोरूटो की मांगा मैंने अभी तक सच बताऊँ बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, और मेरे को लगा यार बोरूटो के फैंस यहाँ पे बहुत सी डिमांड कर रहे थे कि बोरूटो की भी न्यूज़ कवर करो, तो मैंने सोचा ये न्यूज़ अच्छी है तो मुझे कवर करनी चाहिए, तो मैंने कवर कर ली। तो अब जाते वीडियो के अगले पहलू की ओर। तो अगली न्यूज़ हमारी होने वाली है इंट्रो नर्ड के बारे में। तो जो इंट्रो नर्ड है, मुझे पता है मैंने कुछ दिन पहले भी शायद न्यूज़ कवर की थी उनकी, कि उनके 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और अब उनका जो चैनल है वो यूट्यूब ने वेरीफाई भी कर दिया है, यानी उन्हें जो ग्रे टिक आता है ना 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने के बाद वेरीफाई का, वो भी उनको मिल चुका है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अब जाते हैं वीडियो के अगले पहलू की ओर। तो अगली न्यूज हमारी होने वाली सैयन लोंडा या फिर इन सैयन टीवी के बारे में। तो यार वो अपने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं, मतलब लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और वो उनका आंसर देते हैं। तो किसी बंदे ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि AnimeiTV को मतलब प्रमोट वगैरह क्यों नहीं कर रहे, तो उसका आंसर देते वो लिखते हैं कि टू बी ऑनेस्ट आई बिलीव दैट दे शुड कम अप विद द ऐप, देन दे शुड गो फॉर द प्रमोशंस, वी जस्ट कांट ट्रस्ट एनीवन इजीली, दिस इज जस्ट माय व्यू, नो ऑफेंस टू एनीवन। तो तुम लोग क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और यार बस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इतनी ही न्यूज़ थी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो या वीडियो में कोई सी न्यूज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक मारा करो, एम करते हैं 70 लाइक्स के लिए। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ठीक है। मैं भी जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।